हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष दास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोकेमोन गेम के ऊपर एक नया ट्रिक। इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप साउथ अफ्रीका में जाके कैसे अपना पोकेमोन पकड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके फेक जीपीएस को डाउनलोड करना पड़ेगा। यह ऐप बहुत ही नीचे होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये और जो ऑरेंज कलर का ऐप है, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके बाद पोकेमोन गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपका जीपीएस ऑन होना चाहिए और इसके बाद आप सेटिंग्स में जाइए और मोर सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में जाके सॉफ्टवेयर वर्जन को 7 टाइम्स क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको डेवलपमेंट ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद जाके आप डेवलपमेंट ऑप्शन ऑन कीजिए और सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप को यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप बैक आ जाइए और इसको चाहे तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके बाद लोकेशन में जाके आपको लोकेशन हाईली एक्यूरेसी करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बैक आ जाना है और इसे आपको ऑन कर देना है। इस ऐप का कुछ ऐसा ऑन करने के बाद दिखेगा और हमारा साउथ अफ्रीका है। तो चलिए हम केप टाउन में चले जाते हैं। केप टाउन में हम चलो यहाँ पर ही अपना लोकेशन सही कर देते हैं। इस ऐप के ऊपर एक 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, इसको आप तीनों ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद आप सेट कर दीजिए। उसके तो बाद बैक आ जाइए और इस पोकेमोन गेम को ऑन कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पोकेमोन गेम ऑन हो रहा है मेरा। सो फ्रेंड्स, हम हमारे साउथ अफ्रीका में आ चुके हैं। देखिए, सो फ्रेंड्स, चलिए हम पीजी को पकड़ लेते हैं अभी। और आपको इस ऐप को ऐसे ही कुछ यूज़ करना होगा। आपको लोकेशन में समझना होगा कि आप कहाँ पर हैं। ये देखिए, मैं एकदम सही जगह पे प्लॉट करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा एकदम सही जगह पे आ चुका है, लेकिन मेरा फेल डिटेक्शन लोकेशन दिखा रहा है। तो फिर आपको ए बैक कर देना है और इसको फिर से रीसेट सेट करना है और उसके बाद सेट करना है और उसके बाद गेम को फिर से ऑन करना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा पीजी मुझे मिल चुका है।
सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुझे पीजी मिल चुका है, मैं उसे पकड़ चुका हूँ। स्पैरो को भी पकड़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह पोकेमॉन गेम को प्ले कर सकते हैं, और अगर आपको जीपीएस सिग्नल नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है तो आप बैक जाके पोकेमॉन गेम को फिर से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको फिर से गेम प्ले करने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे पास कितने पावरफुल पोकेमॉन हैं, और आपके पास भी ऐसा हो सकता है। सो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मैं इसी तरह पोकेमॉन गेम के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँगा। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितने सारे पोकेमॉन पकड़ चुका हूँ, और देखिए मैं आप आज 2249 पोकेमॉन पकड़ चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेके बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।